नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक गणेश पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोग अपने वीडियो का थंबनेल बना सकते हैं एकदम एचडी क्वालिटी का। जब आप लोगों का थंबनेल एचडी क्वालिटी का रहेगा तभी आप लोगों के वीडियो पे व्यू आएगा, तभी आप लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी आप लोगों का 4000 वाट टाइम भी पूरा होगा। अगर आप लोगों का एचडी क्वालिटी में अगर थंबनेल नहीं है तो कोई आपके वीडियो पे क्लिक भी नहीं करेगा, ना ही आपके में व्यू आएगा, ना ही आपके में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने मोबाइल से ही कैसे थंबनेल बना सकते हैं एकदम एचडी क्वालिटी का। ले चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे आप लोग एकदम आसान तरीके से एकदम आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। जैसे कि और ऐसा ऐप होता है कि जिसमें कि उसमें चार्ज करता है सालाना, कि मतलब कि ईयर वाई मंथ वाई उसमें कुछ डॉलर करते हैं। इसमें एकदम फ्री में आप एकदम एचडी क्वालिटी का वीडियो एकदम थंबनेल कैसे बना सकते हैं उसी को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ले चलते हैं स्क्रीन पर, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे आप लोग उसमें बना सकते हैं, उसका जानकारी पूरा दे देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को इसमें प्ले स्टोर में खोलना होगा। प्ले स्टोर में सर्च करना होगा PIXEL LAB पिक्सल लैब। जैसे आप लोग इसमें सर्च करेंगे पिक्सल लैब तो आप लोगों को इस तरह से इंटरफेस होने लगेगा। देखिए, आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए, इस तरह से आप लोगों को इंटरफेस होने लगेगा। इसी को आप लोग डाउनलोड करना होगा। देख लीजिए, इसका रेटिंग भी 4.4 का है और 50 मिलियन डाउनलोड भी किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जितना भी यूट्यूबर है ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं और यूट्यूबर इसको भी यूज कर लेते हैं, ये जो कैनवा है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर इसी को यूज करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसको ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों को इस तरह से इंटरफेस होने लगेगा। देख लीजिए, इस तरह से एकदम इंटरफेस होने लगेगा। तो आप लोगों को एकदम यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज पे आएंगे। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कस्टम जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल। देख लीजिए, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर, कस्टम स्क्वायर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट दिया हुआ है, बहुत सारा इसमें दिया हुआ है। आप लोगों को यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करना होगा। यूट्यूब बैनर भी है, थंबनेल पर क्लिक करना होगा तभी आप लोगों को बनेगा थंबनेल। देख लीजिए, एकदम यूट्यूब के साइज जैसा इसमें आ जाएगा। तो इसको रोटेट कर लीजिएगा। इसको रोटेट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। रोटेट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर अच्छे से बढ़िया से बड़ा करना होगा तो इसको रोटेट करके आप लोग काम कर लीजिएगा। मैं यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको बता दिया। तो आप लोगों को इसको बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये चौथा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस यहाँ से आप लोग कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ से बहुत सारा कलर हुआ है इसमें है। कलर को इसमें ग्रेडियंट कलर पर करेंगे तो दो दो कलर, तीन तीन कलर आ जाएगा ब्लर करके। और वन कलर करेंगे तो यहाँ से आप लोग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, नीला में हो गया है और ये देख लीजिए जुगनी कलर जो हो गया है। यहाँ से अपना कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं एकदम से। देख लीजिए, एकदम अच्छे से देख लीजिए, आप लोग कोई भी इसमें कलर आप लोग इसमें चूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट पे कलर चूज करके इस पर क्लिक कर देते हैं, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो आप लोग यहाँ सही के जो टिक है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हो गया। और आप लोगों को यहाँ पर कुछ लिखना होगा तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, एड टू टेक्स्ट इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इसमें लिख देते हैं हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल कैसे बनाएं, ये इस एडिट करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे तब यहाँ से काट के यहाँ पर लिख देंगे पहला अक्षर बड़े में करके HOW हाउ टू मेक YOUTUBE थंबनेल, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए इतना बड़ा सा है, इसको यहाँ पर देख लीजिए स्क्रॉल करके यहाँ पर बहुत सारे इसका दिया है ऑप्शन। इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर साइज पे क्लिक करेंगे, ये साइज वाले क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसको थोड़ा मोटा, जैसे इसका कलर भी चेंज करना होगा तो इस पर कलर पर आएंगे। कलर पर आने के बाद नीला पर क्लिक कर देते हैं, जो भी कलर आपका पसंद हो उसको क्लिक कर दीजिएगा, सही कर दीजिए। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ से स्टाइलिश जो है जो इसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड कर देंगे तो थोड़ा मोटा मार जाएगा। आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट में आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज करते हैं, देखिए ये वाला देख लीजिए, देखने में थोड़ा
अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसका बैकग्राउंड जैसे जो जितना में लिखा है इसका बैकग्राउंड को करने के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड क्लिक करेंगे, इनेबल कर देंगे, तो यहाँ से कलर आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। कलर देख लीजिए बहुत सारा कलर हुआ है इसमें, इसमें कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, देख लीजिए। ऐसे कर देंगे इसको। और इसमें जैसे कोई भी फ़ोटो को आपको ऐड करना होगा तो आप लोग इसमें फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को फ़ोटो इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग किसी को ऐड कर, जैसे कि आपका अपना पिक्चर है इसमें ऐड करेंगे, तो पिक्चर का जो ओरे ओरे डाट होता है उसका बॉर्डर कैसे लगाएंगे उसको भी मैं बता देता हूँ। इसमें कि जो मोटा सा होता है उससे आपका जो थंबनेल है और अट्रैक्टिव लगने लगता है। देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं, देख लीजिए इसका जैसे बॉर्डर है इसका बॉर्डर कैसे चेंज करेंगे उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे ये वाला जो है चौथा नंबर, इस पर चौथा नहीं, ये जो है ये बीच वाला, बीच वाले पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देख लीजिए बॉर्डर स्ट्रोक है, इस पर स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, इनेबल कर देंगे। इनेबल कर देंगे तो देख लीजिए इसका कितना भी मोटा वोटा कर सकते हैं, देख लीजिए इससे आपका वीडियो और अट्रैक्टिव लगने लगता है, देख लीजिए आप लोग। इसी तरह से आप लोग अपना यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं और कुछ भी। देख लीजिए जैसे लिख देता हूँ कि इसमें प्रोफेशनल हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल प्रोफेशनल थंबनेल लगा देता हूँ इसमें। इस पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट पे आएंगे, एडिट पे हैं तो प्रोफेशनल थंबनेल लिख देते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, अब यहाँ प्रोफेशनल थंबनेल लिख दिए हैं और आप लोगों को और यहाँ इसमें लिख देते हैं एडिट करके अपने मोबाइल से कैसे बनाएं, अपने मोबाइल से बनाएं। इसको भी यहाँ नीचे करके थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, देखिए और इसको भी थोड़ा इसको मोटा भी कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड देख लीजिए इस तरह से बना सकते हैं आप लोग। और इसका जो है कलर है, कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पर कलर है, इस पर कलर पे आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। दोस्तों इसका आउटलाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पर स्ट्रोक पे फिर आना होगा, यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रोक है, इस पर इनेबल कर देंगे। इनेबल कर दिए तो देख लीजिए जैसे इसको कर सकते हैं इसको भी कर सकते हैं, देख लीजिए कितना लाइट में दिख रहा है, इसको ब्लैक में कर सकते हैं, इसी को रहने देते हैं, देख लीजिए इस तरह से दिखेगा ये। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लोग भी इसको बना सकते हैं, देख लीजिए। आप लोगों को बस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज होता है इसका साइज का हो जाता है यूज, देख लीजिए जैसे साइज है ये, इसमें आप लोग साइज का यूज कर सकते हैं और आप लोग इसका स्ट्रोक का यूज कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसी इन्हीं लोगों का यूज होता है, स्ट्रोक का यूज कर देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे हो गया, ये हो गया स्ट्रोक का हो गया, और यहाँ बैकग्राउंड का हो गया, जो बैकग्राउंड है इसको कलर चेंज कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बस इतने में आप लोगों को कम टाइम में अच्छा से आपका ये थंबनेल बन जाएगा। देख लीजिए किस तरह से एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है, एकदम अच्छे से। इस तरह से आप लोग भी अपना थंबनेल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों,
इस तरह से ये बन गया है। और इसको आप लोगों को सेव करने के लिए यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा, थ्री डॉट पे नहीं क्लिक करना होगा, आप लोगों को ये जो ऑप्शन हुआ है सेव का ही सेव क्लिक कर देंगे। यहाँ सेव टू प्रोजेक्ट या सेव टू इमेज कर देंगे। सेव टू प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का अपना नाम डाल देंगे, फिर ये आप अपने आगे बना सकते हैं। जैसे कुछ भी मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और यहाँ से आप इमेज को क्लिक कर दीजिए, बैक कर देता हूँ, थोड़ा ऐड आ जाता है। देखिए दोस्तों, ये सेव एज इमेज है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देख लीजिए सेव एज गैलरी पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये बन के तैयार हो गया, देख लीजिए रेडी हो गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ, आपका हेल्प करता रहूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।